शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक दिन वैशाख की दोपहर में धूप का अंत न था और गर्मी की भी हद नहीं थी। का हुक्म है कि सबको छुट्टी होगी, तुझे नहीं। बोलो जी, तू क्या खान धूल का मॉनिटर है? जी, कान खोल कर सुन ले, आगेगा ये पिटेगा तू, समझा? जी, दे इसे हिसाब लगाने को दे। ले ये हिसाब लगा, जा बैठ कर।
मुझसे हिसाब नहीं होता। फिर देखो, एक मन तेल का दाम 14.93 रुपए हो तो ये क्या हुआ? देवा कहाँ? मकान बनवाने के लिए सस्ता देख के खरीद लिया, आप दूसरे बर्बाद करा। अरे क्या किया, मैं तो मन से छटा गया। देवा मैं ढकेल के भाग गया। ढकेल के भाग गया? वो इतने मुझसे संडे उठाते हैं अभी नहीं सके। ए, तू क्या चीजी कर रही है? देवा कहाँ गया? अरे देवा पकड़ा नहीं गया। क्यों? उसने पत्थर मारना शुरू कर दिया। मुझे भी पत्थर मारा है। यहाँ पत्थर मार के सर फोड़ दिया। चलो सब मिलके चलते हैं जमींदार कचहरी में, दिखाते होंगे आज अपने पूत की कसूर। देवदास हाथ से पाठशाला में नहीं आएगा। चल भूल मन भर चूना जेब में भर के ले जा। क्या नाश करके रख दिया था? अरे मुंह से नहीं पहुंचना, जमींदार साहब को दिखाना है अभी। हाँ चल मनु दीदी, क्या सच्ची देवदास को पाठशाला में नहीं आने देंगे? क्या पता, ये हुआ पंडित, मेरा तो आप ही आने को जी नहीं था। अब आप ही हुक्म करें जमींदार साहब, मैं क्या करूं। ये तो बड़ी मुश्किल हुई, मेरा लड़का जब बाढ़ी खेत को खाने लगे तो रखवाली कौन करेगा? गया कहां? मैं क्या जानू जमींदार साहब, जो लड़के पकड़ने गए उनकी ये गतिपन। अरे वो कहां गया? इसकी हालत देखिए। भेजो जहां भी देवा मिले उसको पकड़ के ला। आप चिंता न कीजिए पंडित जी, धर्म कांटे का एक ही तोल, जमींदार का बेटा होने के कारण देवा का पक्ष न होगा। वो पारो, आज तू अकेली लौट रही है, देवा कहाँ है? वो तो भाग गया धर्मदा। क्या बोलती है, भाग कैसे गया? क्या बताऊं धर्मदा, एकदम चूने की ढेर पर चीप पट कर दिया। बोलो की सूरत देखिए, तू वहाँ से ही जाएगी या कुछ कहेगी भी? बता बता देवा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तू जानती है, तू सब जानती है। बता, उसे जरूर भूख लगी होगी। भूख तो लगी होगी, पर मैं बताऊंगी नहीं, वो मुझे मारेंगे, मैं खुद ही जाकर खाना दिया। अच्छा अच्छा, तू भी जाना, पर सुन उसे बातों में भुला कर संध्या से पहले पहले घर भी ले आना है। अच्छा बाबा, घर भी ले आऊंगी बस। पिताजी पाठशाला में क्या हुआ? अरे बाबरी हो गई है, क्या हुआ पाठशाला में? भूख लगी है, पहले कुछ खा लो फिर बताओ। अच्छा अच्छा। माँ माँ, हाँ भूख लगी, कुछ खाने को दो। देती हूँ। बस इतने से क्या पेट भरेगा? रोज तो उतने ही से पेट भर जाता था, आज क्या बात हो गई? अरे देते ना बहू, कुछ हलवा संदेश थोड़ी है, मुरमुरे ही तो है। देते मेरी रानी बुटिया को, देते। बस कौन? पारो, तंबाकू पी रहे हो ना? तो क्या हुआ, मतलब सभी पीते हैं? खाने बुलाइए, ला दे। तुम पारो क्या कर रही हो? तुमने सब बातें जाकर तैयारी से कर दी, तो बंद बाबू जी से कह ली। क्या हुआ? अब तुम्हें पाठशाला में नहीं जाने देंगे। ना जाने दे, मैं पढ़ने नहीं जाता, ना संदेश दे। वो तो मैं नहीं गई। अच्छा तो जा पानी ला। पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा, संदेश नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा तेरा सर। जा के पानी ला। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मालूम है तुम यहाँ से भाग जाओगे। नहीं भागूंगा, जा कह रहा हूँ ना। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, जा मैं कहता हूँ।
मैं जाऊंगी, सब जाके ताया जी से कह दूंगी। पारो, ओ पारो, जा दफन हो जा। पिताजी सब जगह ढूंढा लेकिन देवर कहीं पता नहीं चला, कहाँ गया? क्यों बेटी, रोती क्यों है? देवर ने मुझे मारा है। कहाँ वो बदमाश? बगीचे में, जानते हैं ताया जी, वहाँ वो छुप छुप कर तंबाकू पीते हैं। वो तंबाकू भी पीने लगा? अनर्थ हो गया, अंधेर आ गया। आशीष लड़के का स्कूल बंद, खाना बंद। दुविदास अभी जा और जैसे तैसे भी उसे कान पकड़ के ला। सत्यानाशी ये कुल कलंक। बस बस जी, बहुत मारी है, बस करो। हाय राम, मुझसे डांट डपट करते हैं, मारे तो नहीं डालते। अरे हटो जी, ये तुम्हारी ही चोटले हैं जिसने उसे बिगाड़ा है। खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला आज इसे खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। चल बेटा, चल के खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। चल मेरा राजा बेटा, चल। आरो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट दुखता है। इधर आ पारो। पीने की बात क्यों कहती? तुमने मुझे मारा क्यों? तो पानी क्यों नहीं लाई? तुम डांट के क्यों बोले? तो बड़ी बेवकूफ है। अच्छा देख, फिर कभी मत कहना। तुम भी मत मुझे मारना। नहीं मारूंगा। तो फिर तुमने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ बाबा, कर गया। और फिर स्टाफ लिखाना है। सुन पारो, चल राम बाबू के बाबू, मैंने देखा है वहाँ बुलबुल का बच्चा, उसे पकड़ के दे दूंगा। ओ अलबेले पंछी, तेरा दूर ठिकाना है।
पिताजी, वो माधव भी रोता होता शिकायत लेके आया है। मछलियों के लिए जो जाल उसने नदी में लगाया था उसे देवदास ने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। देवा की शरारतें अब हद से ज्यादा बढ़ी जा रही। सोचता हूँ कि तो तुम्हारे भाई नगेंद्र के पास कलकत्ते भेज दूं, यहाँ रहकर तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। मगर शहर और इस बाली उम्र में? नहीं नहीं माँ, इस मामले में रुकावट न डालो, ये सब उसी की भली तो है। अच्छा, जो तुम लोग ठीक समझो करो, मैं किसी बात में दखल नहीं दूंगी। जी बेटा, रोते नहीं। नहीं माँ, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। हमें कोई सुख नहीं मिल रहा बेटा, लेकिन तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर बढ़ो, इसीलिए भेजना पड़ रहा है। चल चल मेरा बच्चा। जा बेटा गाड़ी में बैठो, जा। जाते समय रोते नहीं भैया, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। नहीं जरा, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे? चल बैठ। भगवान गाड़ी चला। जानती क्यों नहीं बेटी? तो फिर गाना। गाना क्या यूं ही होता है, भिक्षा देनी होती है। चलो तुम्हारे घर चल के गाएं। नहीं नहीं माँ, नहीं, यहीं गाओ। पैसा देना होगा। पैसा? पैसा तो नहीं है मेरे पास, रुपए है। रुपए? चलो बेटा इधर चल के। कोई
होई धीरे ओ कान्हा आ मिलो श्याम सांवरे माँ मैं कल से फिर पाठशाला में जाया करूंगी मुझे अकेले में कुछ अच्छा नहीं लगता ठीक है चली जाना सुन एक काम तो कर ये घड़ा ले जा और ताल से पानी भर ला छड़ी कलाई से घड़ी बटन चैन पूरा बाबू साहब बन गया है पहले तो हर साल छुट्टियों में गाँव आया करता था फिर दो तीन साल के रोज कुछ था कभी मैंने काल कभी मैं पूरी जाने लगा और अब ना जाने का फिर क्यों है शायद तेरी याद खींच लाई चल कुछ नहीं ही ऐसी होती है आदमी रंग बदलता है ढंग बदलता है शायद देवदास भी बदल गया होगा चाची ये तो देवदास की आवाज है ना हाँ अरे देवदास तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई आओ बेटा अंदर आओ बड़ी उम्र है अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे तुम्हारी की शक्ल ही बदल गई बेटा बहुत दिनों के बाद देख रही हो ना चाची इसीलिए पारो कहाँ है पारो अरे अभी तो यही थी शायद ऊपर चली गई पारो अरे वो पारो देख देवदास आया है देखने तो दादी मैं खुद ही चला जाता हूँ क्या हो रहा है कितनी बड़ी हो गई हो तुम अच्छा रात हो गई मैं चलूंगा अरे ये क्या अभी यार अभी चलती है सफर से आया हूँ ना ठाकुर माँ थक गया हूँ कल आऊंगा अच्छा बेटा चला गया देवदास हाँ बहू
अच्छा देवदास और पारो में कितना स्नेह है। क्यों ना हो, बचपन से दोनों साथ बड़े हुए हैं। और पारो की मर्जी तो शादी की हो गई, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी बनेगी। नारायण बाबू के उनके ब्याह की बात चलाई जाए तो कैसी रहे। कैसी बात करती हूँ माँ जी, तुम भी आसमान में ठिगली लगाती हो। वो बड़ी जात जमींदारी के लोग। जात जमींदारी बड़ी है तो सुंदरता भी कम नहीं। आप बड़ी मैली होती अपनी पारो, मैं जरूर देवदास की माँ के पास जाऊंगी। देखूंगी वो कैसे ना कहती है। बहू देखना तो मैं शायद भंडार घर खुला ही छोड़ा ही हूँ। मैं कहती हूँ जी, आज पार्वती की दादी ने उसके ब्याह की बात चलाई थी। हाँ वो सियानी हो गई है, उसका ब्याह तो हो जाना चाहिए। तभी तो उसने बात छेड़ी थी, कहा कि अगर देवदास के साथ। फिर तुमने क्या कहा। मैंने वही ना कह दी। ठीक किया तुमने, एक तो हमसे छोटी जात के ब्राह्मण, दूसरे पड़ोस में संदेहाना, तुम उनकी बातों पर कान न धरना। सचमुच अंधी हो गई। माँ, किसने तुम्हें पार्वती की शादी की बात करने के लिए देवदास की माँ के पास जाने को कहा? पूछा क्यों नहीं मुझसे? बड़े आए हैं जमींदार, ऊंची दांत वाले ब्राह्मण। हम नीची दांत वाले ब्राह्मण हैं तो उनके घर मांगने नहीं जाते। लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ना पड़े, उल्टा लोग ही हमारे पैर पकड़े। तुम्हें फिक्र किस बात होती है बेटा? फिर वही बात, तुम समझती हो कोई हमें पूछता नहीं। एक छोर छह संदेश आ चुके हैं, नारायण बाबू से बड़े जमींदार के यहाँ बेटी की शादी न की तो नीलकंठ न कहना। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर सब ठीक किए देता हूँ। ना ही गाँव में ही रहता, कहीं दूर नहीं, बल्कि मैं भी चलता हूँ। की उम्र कितनी होगी? किसकी उम्र की? तेरे उम्र की और किसकी? कोई 23-24 पर। क्या मतलब? मैंने तो सुना है उसकी उम्र 40 से भी ऊपर है। जाने किसकी उम्र 40 हुआ करती है मनोदेवी। मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मैं जानती हूँ तो बस इतना, मेरे उम्र की उम्र 23-24 की होगी। और नाम क्या है? अरे मेरा खाया पिया सब कुछ जानती है, और ये नहीं जानती। तेरे मन की बात मैं कैसे जानूं? ले सुन, पासा और पास, हट बेशक।
ज्यादा हंसी मजाक की जरूरत नहीं, बता सीधे सीधे क्या नाम है उनका। बता तो दिया। लेकिन मैंने तो दादी से सुना है कि तेरा ब्याह मानिकपुर के जमींदार से पक्का हो गया। पक्का कैसे हो गया है? ब्याह होगा तो मेरे साथ ही होगा, दादी के साथ तो होगा नहीं। ओ मालूम होता है अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक गई है, छुप छुप के पक्का बंदोबस्त हो गया। अच्छा पक्का, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कहती है पारू, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तो फिर देवदास से ही पूछ कर बतलाऊंगी। उनसे क्या पूछेगी, तुझसे ब्याह करेंगे या नहीं? और नहीं तो क्या? कुछ तो सोच मोती, क्या खुद ही ये बात उनसे पूछेगी? लाज ना लगेगी तुझे? तुझे लाज कहेगी? तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई? मैं ठहरी और फिर तेरी सहेली, लेकिन वो तो मर्द है। तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वो क्या पराई है? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ क्या उनसे नहीं कह सकती? मोनू दीदी तुम झूठ मूठी मांग में सिंदूर लगाती हो और ये नहीं जानती स्वामी किसे कहते हैं। वो मेरे स्वामी हैं, मेरी लज्जा शर्म से पहले उनके पास मेरी लज्जा कैसी। अरे मनोरमा, तेरे घर से कोई बुलाने आया है। अच्छा पारो फिर आऊंगी। नयन कौन? मैं। अब की देखी देखन दूगी रामा भजु रामा काशी बचन पारो तुम? इतनी रात के अकेली ही है हो क्या? हाँ। क्या कह रही? रास्ते में डर भी नहीं लगा? मुझे भूतों से डर नहीं लगता। अरे भूत से नहीं पर आदमी से तो डर लगता है ना? शायद इस वक्त उससे भी नहीं। घर के अंदर कैसे आए, किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। मैं ऐसा क्यों किया पार्वती, कल के शर्म से तुम्हारा साथ नीचा नहीं होगा। जरूर होता अगर मैं ये ना जानती कि मेरी सारी लज्जा तुम ढक लोगी। मैं? लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मत, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारी कलंक की बात लोग भूल जाएंगे। दो दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही ना रह जाएगा कि कब किस रात को बनने से पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई थी। मैं तुम्हारे कलंक की बात सोच रहा था। पारो मेरे कलंक की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं,
अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी तो ये निंदा मुझे न लगेगी। अरे तू रो रही है पारो? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारे चरणों में मुझे यही थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। चल तुम्हें घर छोड़ा, मेरे साथ चलोगे? क्या हर्ज है, अगर तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता, बदनामी होगी ना। तो अच्छा है, शायद उसी में से हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकला है। तब चलो। नीच कुल का रिश्ता न तेरे पिता मानेंगे न भैया, तू क्यों भीड़ के छत्ते को छेड़ता है छोटी सी बात के लिए? तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात है ना। मैं पूछता हूँ, ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? घर की इज्जत कुल की मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रहा? खामोश, बंद करिए बकवास। इस बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। दूर हो जाने इन नफरों के साथ। देवदास तुम खाओ है? यार तुम भी चलाओ, एक मिनट में दिखाई दे जाते हो और एक मिनट में गायब हो जाते हो। इतनी रात हो गई तुम सोए क्यों नहीं? नींद रोज थोड़ी आया करती है। नींद नहीं आती?
अरे हम तो समझते थे कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के इस चंद्रमुखी रजनी की सूरत ही नहीं देखते, मगर आज पता लग गया। हम क्या बात है, तुम बोलते नहीं, कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे मन में कुछ कलेश है? तुम्हारे मन में कोई कलेश नहीं चुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर कभी कोई दुख नहीं देखा? दुख देखा तो है, मगर ये सब जिंदगी का मामला है। ऐसे हंसकर गुजार दे या ऐसे रोकर गुजार दे, खुश रहने के लिए थोड़ा सा अपने आप को धोखा भी देना पड़ता है। मगर तुम ये सब क्यों पूछते? सिर्फ सुनने का शौक है। सुनने का शौक है तो एक दिन हम तुम्हें सुनाएंगे और तुम सुनना। चुनी बाबू, ये तुम रात रात भर कहाँ गायब रहते? बड़े भोले बनते हो, नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन कुछ ठीक से नहीं जानते। तो ठीक से जानने के लिए तुम्हें मेरा जैसा अलबेला बनना पड़ेगा। सुना है वहां जाके दुख दर्द सब भूल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम मुझे भी वहां ले जाओ। सुन, मेरे साथ चलोगे? अच्छा, कल चले। अभी तुम सो सो जाओ। पार्वती, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल सता रहा है। मेरे माँ बाप में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं कि हम दोनों का ब्याह हो। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अगर तुम्हें सुखी करने का जतन करता हूँ तो माँ बाप के जज्बात को धक्का पहुँचता है और ये मैं कभी सोच नहीं सकता। उस रात तुम अपना सब कुछ तज कर मेरे यहाँ चली आई, इस बात के ख्याल से मुझे कितना दुख होता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ पारो, और ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे दुख भी है तो यही कि मेरे लिए तुम क्या कुछ कष्ट उठाओगी। कोशिश करके तुम मुझे भूल जाना। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें इसमें कामयाबी हो। माधव जी, ये चिट्ठी तो डाला जरा। बहुत अच्छा जी। ये तुमने क्या किया देवदास? क्या किया? कुछ किया ही नहीं। वो बचपन की साथी तुम्हारी अपने मान अपनी लज्जा को छोड़कर तुम्हारे पैरों में जगह मांगने चली आई, और तुम उसे कुछ कहे सुने बाहर यहां भाग कर चले आए। लिखिता नहीं चाहती, मेरी मां नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया तुमने? कैसे लिख दिया कि तुम उसे नहीं चाहती? कोई रास्ता भी तो नहीं था, मगर तुम तो जानते हो कि पारो कितनी अभिमानी, कितनी हठीली लड़की। सोचा भी है तुम्हारी चिट्ठी पाकर का क्या हाल होगा? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? माधव, वो कहां है? वो तो अभी मैं प्रस्तावित में छोड़ रहा है।
अरे देवदास जाना नहीं है। जाने का ही तो बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये सारा घरबार अपने साथ ले चलोगे? और किस पर छोड़ के जाऊंगा? अरे भले आदमी, हमारा भी तो सारा सामान यही पड़ा रहता, हम किस पर छोड़ जाते? चुनी बाबू, अब मैं यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। हम जिसके नाज उठाते हैं, इतना भी हमारा कर न सके, वो बिस्तर हमारा रख न सके, थोड़ा सा किराया भर न सके, आज तो ऐसे ही चले चलो। कल अगर समझ में आए तो बिस्तर भी अपने साथ ले चलना। चुनी बाबू, मैं घर जा रहा हूँ। घर? फिर लौटोगे कल? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आने से मुझे अपना सब कुछ खो देना पड़ेगा, मैं इस तरह लूट जाऊंगा, तो मैं यहाँ कभी ना आता। अरे भाई, मगर तुमने कहा क्या खो दिया? फिर कभी मिले तो बताऊंगा। हाँ, ये रुपए लो, जिसका जो मेरे जिम्मे हो वो चुका देना, और बाकी सब नौकरों में बांट देना। ये ले जाओ अंदर, किचन में आता हूँ। अच्छा, किसकी चिट्ठी है? पार्वती देवी की चिट्ठी थी, उन्हें दे दी। ओ, मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। माँ, माँ, माँ ने पूछे पार्वती के दुकान वाले आशीर्वाद देने आए। पारो, अरे ओ पारो, खैर पारो, मैं आ गया। क्यों? उस रात की बात तुझे याद नहीं क्या? हाँ, और वो चिट्ठी भी जो तुमने लिखी है। मुझे माफ कर दे पारो, वो खत मैंने जल्दी नहीं लिख दिया था, न जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं रही। चुप रहो, मैं वो सब सुनना नहीं चाहती। सुनो पार्वती, जैसे कैसे भी होगा मैं अपने माता पिता को राजी कर लूंगा। तुम्हारे माता पिता है और मेरी नहीं है, उनके राजी होने या न होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना? बिल्कुल इनकार है, जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो? जैसे चंचल चितावनी पर मुझे कोई विश्वास नहीं। मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं, उन्होंने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है, तुम रास्ता छोड़ दो। इतना अहंकार क्यों ना हो? तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम वो रूप है, कोई नहीं, मुझ में रूप है और कुछ भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। पारो, तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो। मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा? वो कैसे? उस रात मैं तुम्हारे घर तक चली गई थी ना, यही बात चौकूट फैला दो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी। सुनो पार्वती, ये रूप तुम्हारा ना रूप अच्छा नहीं है, इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जानती हो ना, चांद पे भी रूप छिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है, और तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। क्या किया देवदास? नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे,
सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, तो नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास, कुछ नहीं पारो, इस आखिरी विदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है, ताकि चांद से उखड़ा कर कभी आईने में देखो, शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैं मूर्ख, तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है, तो तुम उसे भूल जाओ पारो। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूं, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। तुमने अच्छा ही किया पारो, शायद मेरे साथ रहता तुम कभी सुख नहीं पाते। क्यों बैठी हो? मैंने सुना है तुम्हारी शादी तो किसी बहुत बड़े जमींदार से हो रही है। याद है तुमने बचपन में हमें 3 रुपए दिए थे और मैंने कहा था तुम किसी राजा की रानी बनोगी, ठीक हुई ना मेरी बात? आज तो तुम्हें जी खोल के दान देना पड़ेगा बेटी।
जी चाहता है देवदास को एक बार बुलाकर ये स्वर्ण मूर्ति दिखा दो। क्या ये हो सकता है मंगली, एक बार उनके चरणों की धूल माथे पे लगा सकती हूँ? भूल जाना, मैंने सुना है वो निर्मोही तो कलकत्ते चला गया। अरे देवदास, तुम फिर आदम के कब आए तुम? कल फिर कहाँ रहे सारा दिन और कहाँ बिताई सारी रातें? पार्क में। तुम कुछ पागल हो, क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, किसी और के साथ झगड़ा हुआ? मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, किसी और के साथ झगड़ा हो गया कह सकता था। जाए जाते हो वहां सचमुच सब दुख दूर हो जाते हैं ना? हो तो जाते हैं, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है। अच्छा क्या बुरा क्या सब बेकार की बातें हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलती हूँ। आए गुले फुसुरता लगा लूं गले तुझे, मेरी तरह से तू भी लूटा है शबाब। वहां ले चलने में तो कोई हरज नहीं देगा, लेकिन तुम न जाओ तो अच्छा है। मैं वहां से पूछा, तुम्हारी मर्जी, चलो। पार्वती पालकी तो चलो बेटी। अरे उतरो ना देवदास, क्या सोच रहे हो? ये कौन? कबाब में हड्डी। हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या? दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। हे देवदास, तुम कहाँ चले? घबराने की क्या बात है? हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद। Yeah.
तुम कहाँ चले? जरा एक मिनट यहीं बैठो, मैं सिगरेट लेके आता। बदतमीज लड़की, रुपए लेती हो ना? आपके चरणों की धूल जब मेरे घर। चरणों की बात नहीं करता, रुपए की बात करता हूँ। रुपए लेती हो ना? जी लेती हूँ, मैं लूँ तो हमारा काम क्या? बस बस, मैं और सुनना नहीं चाहता। चला गया देवदास? चलिए बाबू, ये देखो, ये उन्हें लौटा देना। मैं क्यों लौटा दूं? वो अपनी मर्जी से दे गया है ना? अपनी मर्जी से नहीं, हम रुपए लेती है ना, इसीलिए नाराज होकर दे गया है। चलिए बाबू, मुझ पर एक एहसान करोगे? क्या? मैं फिर किसी दिन यहाँ ला सकती हूँ। मगर वो ऐसी जगहों में कभी आया नहीं है, और मैं समझता हूँ अब वो आएगा भी नहीं। मगर तुम बुलाना क्यों चाहती हो? यू ही तुम्हें फिर एक बार देखना चाहती हूँ। झिरकी खाक का प्यार हो गया है। तुम नहीं जानते चुनिका, ये पहला आदमी है जो बिन मतलब पैसे देकर चला गया। नहीं समझे? समझता हूँ। नोटों पर लालच करने वाली कोई और, तुम नहीं। मगर असली बात क्या है? क्या पूछते? कुछ मौसा हो गया है। अरे बस 5 मिनट में लागे मोरे नैन उनसे। तुम्हें जरूर लाना, लाओगे ना? तो बोलो। तुम्हें मेरी सर की
बैठे तो जरूर कोशिश करूंगा। धंधा देवा, माने ये चिट्ठी देकर भेजा है मुझे। तुम बिना कुछ कहे सुने चले आए, जब से मां कितनी रो रही है। ये ले रुपए भेजे, चलो घर चलो। तुम लौट जाओ धंधा, मैं घर नहीं जाऊंगा। आओ बहू, आओ लक्ष्मी रानी, संभालो अपना घर बार। माता जी, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ, महेंद्र। माता जी, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज 2 बरस हुए हम अपनी माँ को खो गए थे। इन 2 वर्षों से दुख मुसीबत ही में हम लोगों के दिल की थी। अब आप आ गई हैं माँ, आशीर्वाद दीजिए, हमारा जीवन सुखी हो जाए। और बेटी ईश्वरदा कहाँ है? जी जी, वो अपने ससुराल है। मैंने चिट्ठी लिखी भी थी, मगर वो ईश्वरदा आ ही न सकी। आ ही न सकी या जानबूझकर नहीं आई? ये मैं ठीक नहीं जानता माँ, लेकिन पिताजी जाकर ले आए तो वो। छी, वो क्यों जाए? हम माँ बेटी की न जाकर ले आए? नहीं माँ, फिर आप भी क्यों जाए, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा उसे। ऐसा नहीं कहना है, जाएगी क्यों? चल आओ बेटी। बेटी अपनी माँ से कुछ नाराज हो? नहीं नहीं, मैं भला नाराज तो होने लगी। ये क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ की याद है तुम्हारी। ये तुम्हारे पिता का घर है, इतना बड़ा घर, इतनी नौकर नौकरानियों की जरूरत रहती है इसमें। मैं भी तो एक दासी के सिवा और कुछ नहीं हूँ। लेकिन कुछ दास दासियों पे नाराज होना क्या तुम्हें शोभा देता है? माँ, मैं तुम्हारे पाप पड़ती हूँ, मेरे अपराध पे ध्यान न देना। क्यों नहीं माँ, कैसी लगी बात? अब माँ को कहते थे तुम उनके बारे में कहते रहे। ना ना भैया, मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, माँ को कुछ नहीं कहना। पार्वती, तुमने मुझे बड़ी भारी लज्जा से मुक्ति दे दी। बेटी बेटे सभी को अपना बना लिया, महेंद्र की शादी भी तय कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम सदा सुखी रहो पार्वती। क्या कहते हैं? काश मैं ये बात तुम्हें समझा सकता पार्वती। ये मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मैं क्या कहूँ पार्वती, सोचता हूँ तुम मेरे यहाँ सजती नहीं। सजती क्यों नहीं? हम लोगों का सजना या ना सजना। क्या बात है देवदास, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ कहो तो। कहने से कोई बात नहीं है सुनी बाबू। तो फिर मेरी एक बात मानो। क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अरे वहीं जाओ, समझ गए थे। मुझे अच्छा नहीं लगता सुनी बाबू। अच्छा तुम क्या वहीं जा रहे हो? जा तो रहा हूँ, कहो तो ना जाओ। नहीं ये मैं नहीं कहता, लेकिन क्या उम्मीद लेके जाते हो वहाँ?
क्या मिल जाता है तुम्हें? मिलता मिलता तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपना समय बिताने जाता हूँ। समय बीत जाता, मेरा तो बिताया नहीं बीतता। तो तुम मेरे साथ चलो, ऐसा बंदोबस्त कर देता हूँ तुम्हारा कि समय बीतेगा नहीं बल्कि भागने लगेगा। Yeah.
क्या कहूं भैया, सच कहना मेरा फर्ज है। बाबू जी की तबीयत बहुत खराब है, जो दवाई मैंने दी है वही पिलाते रहिए, आगे ईश्वर की मर्जी। अब कौन बेला देखते हो बेटा, देवा को खबर कर दो। कैसे खबर कर दूंगा, उसका कोई पता ठिकाना भी हो? तू खुद जाकर ले आना। ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हूँ मैं, पिताजी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं? वहां धर्मदास है, उसको तार दे देते हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएगा। देवदास, कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो तभी होश ना आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा तो इलाज है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा, तो पीते भी नहीं और फिर भी यहाँ आते, जाने कितना दुख हुआ। मैंने पीना शुरू किया, मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे चंद्रमा, अब भी कुछ होश बाकी है। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता और हमेशा करता हूँ, फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बात नहीं करूंगा, इसके सिवाय और उपाय भी क्या? तुम लोग क्या ये बात समझ सको? लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पी, और तुम सब सहन शक्ति की जीती जाती तस्वीर। चंद्रमुखी कैसी है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं,
प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग मर जाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है और मैं देखता हूं। फिर भी पारो की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। कौन? पार्वती? तुम तो पारो नहीं हो, फिर क्यों रोती हो? एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे? क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? हाँ चल चल के सो जा। सो जाऊं? मैं एक शराबी और ये एक अच्छा होने दो, यही होने दो, बुरा क्या है? कोई उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, कोई सुख नहीं, तो कोई ख्वाहिश भी नहीं। वाह बहुत अच्छे। देवदास, देवदास है? है, मगर सो रहे हैं, इस वक्त न मिल सकेंगे। मिल तो न सकेंगे, उसे मिलना ही होगा। बताओ कहाँ छुपा रखा उसे? मैं उसे इस नक में नहीं रहने दूंगा। कौन? देवदास। धर्मदास, तुम यहाँ कैसे आए? चुन्नी बाबू ने मुझे यहाँ का पता दिया। आए हो? चले जाओ यहाँ से। धर्मदास निकल जाओ बाहर। मैं नहीं जाऊंगा। है ना देवदास, घर से तार आया, मालिक नहीं रहे, हम सबको छोड़कर चलेगा। अब घर चलो देना, किसी के लिए नहीं, अपनी माँ की खातिर चलो देना। मैं नहीं बचना चाहता, अब बचने से भी क्या फायदा? कौन सा तरस रहेगा? पारो बेटी एकदम चली आई, ना कोई पास ही न संदेशा। मनु दीदी का खत मिला था, दीदी का साया की बहुत बीमार था। वो तो चल भी दिए बेटी। आज एक युग बीत गया तुमसे भेंट हुए,
अच्छी तो है ना चौधरी महाशय और लड़के वाले सब ठीक हैं? हाँ। अभी तो कुछ दिन रहोगी ना यार। अच्छा अच्छा तो फिर मिलूंगा। क्यों धंधा कहने की बात हो तो कब मालिक नहीं रहे देवता के हाथ में हिसाब रुपए लगे अब तो मुश्किल ही है। क्या मुश्किल है आपका बताओ ना। क्या बताऊं पारो न जाने उन्हें क्या हो गया है न खाना है न सोना है फिर बोतलों पे बोतलें शराब तीन तीन चार चार दिन न जाने कहां पड़े रहते हैं और सुना है कई हजार के तो उसे गहने बनवाती है। किसे? अब अगर तुम्हें बदनाम करूं तो क्यों लज्जा आती है पर इसमें लज्जा की क्या बात है दो जने मिलकर एक लड़कपन कर बैठे और फिर देखो ना बीच में क्या कुछ हो गया तुमने मैं गुस्से में आके जो चाह तो कहा और मैंने भी माथे पर वो निशान बना लिया बोलती कौन है मुझे तुझसे बहुत गुस्सा आता है बाबू जी मुझे ये मुझे कितनी दुख अगर तू होती तो ये सब दुख रहता भाभी को तो तू जानती भैया का स्वभाव किसी से छुपा हुआ तो नहीं ऐसे में भरा बता मैं अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा और फिर मेरा क्या होगा ये भी तो कुछ समझ में नहीं आता तो होती तो सभी कुछ तुझे को सांप कर खुद तो देखे के हो रही अरे तू रो रही है पाए अच्छा जाने दे ये बात नहीं खत्म हो गई सुना है तो बड़ी पक्की गृहस्थन हो गई है वो बड़ा मकान बड़ी जमींदारी बड़े बड़े लड़के लड़कियां और चौधरी महाशय वो भी बड़े तभी कुछ बड़े हाँ एक उपकार कर सकेगी मुझ पर क्या इधर तेरी तरफ कोई लड़की मिल सकेगी जी चाहता है मैं भी गृहस्थ बन जाऊं ना। हाँ बिल्कुल तेरी तरह हलीमान नहीं बल्कि दुष्ट तेरी तरह मेरे साथ झगड़ा कर सके नहीं मुझे मेरे जैसी न जाने कई हजार तुम्हारे जन्मों में आकर अपने आप को न समझी हजार नहीं अभी तो एक ही काफी होगी एक बात कहूँ कहो तुम शराब पी की आदत क्यों डाली तुझसे किसने कहा क्या ही कोई कहे क्या ये सच है हाँ सच है कई हजार के कहने बनवा दिए अभी सिर्फ बनवाए हैं दिए नहीं तू देगी ला देखो मेरे पदों के कहने नहीं है
क्या तुझे चौधरी महाशय नहीं बनवा के दिए? दिए थे, लेकिन मैंने वो सब उनकी लड़की को दे दी। ये शायद उनकी जरूरत ही नहीं पारो। और वो जो तुमने बात सुनी है वो झूठ है पारो। मैं किसी और से प्यार नहीं करता। अच्छा, एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियो। मैं ये नहीं कर सकता पारो। क्यों? तू प्रतिज्ञा कर सकती है कि एक बार भी मुझे याद नहीं करेगी। मेरे नीचे काम है पारो, मैं चलता हूँ। नहीं, पहले तुम वादा करो। मैं नहीं कर सकता पारो। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं? कोई करना चाहे तो जरूर कर सकता है। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ भाग कर जा सकते हो? सांझ हो गई, अब घर जा पा रहा हूँ। पहले प्रतिज्ञा करो। जबरदस्ती प्रतिज्ञा कराना कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन आज की बात कल न रख सकूं। दरवाजा खोल दे पारो। आरती, देवदास मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या नहीं जानता? मैं बुरी जा रही हूँ देवदास, मैं तुम्हारी सेवा न कर सकी। मेरे यहाँ चलो, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। तेरे घर चलो, तुम मेरी सेवा करेगी। ये तो मेरे जन्म भर की साथ है मेरे देवदास, मेरी ये साथ पूरी कर दो। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। मेरे घर चलो। अच्छा चलूंगा। मुझे छूकर मेरी सौगंध लेकर कहो आओगी? ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा पार। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं आऊंगा। मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। भिखारी लोग शोर मचा रहे, उनमें से सौ को कपड़े नहीं। क्यों नहीं? जब सबको मिले हैं तुम्हें भी मिलने चाहिए। जाओ मुनिम जी से कह दो। रानी माँ ने कहा है सबको कपड़े मिले। रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! सुनिए, यहाँ चंद्रमुखी नाम की कोई। हाँ, अंदर आओ। अरे ये कमरा ऐसा क्यों? चंद्रमुखी कहाँ है? ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? हाल कैसा? मैं तो समझती हूँ किस्मत जा गई मेरी। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? तुम कुछ दुबली मालूम हो रही, बीमार थी क्या? शरीर की तो बीमारी कोई नहीं, बदन पे कोई गहना नहीं, घर में कोई माल अजबाब नहीं, उसे क्या हुआ? बेच डाला। और गाने बजाने का वो सब साजो सामान? गाना बजाना सब छोड़ दिया। तुम्हारा ये बाहर का कमरा तो बिल्कुल बदल गया है। सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। आओ। हाँ।
चुनिया भी नहीं आते? नहीं, कोई दो महीने हुए आए थे, झगड़ा करके चले गए। सुना है कलकत्ते से बाहर कोई नौकरी कर रहे। झगड़ा किस बात पर हुआ था? दलाली करने आए थे, मैंने निकाल दिया। दलाली कहीं थी? ये होगी। तुम भी तो बस समझते ही नहीं, किसी बड़े रईस को पकड़ के ले आए थे। 500 रुपए महीना, ढेर सारे गहने, दरवाजे पर रखवाली के लिए सिपाही। मगर कहाँ है वो सब, दिखाई तो कोई नहीं देता। रहने देती तो देखती, मैंने सबको भगा दिया। उनका कसूर? कसूर तो कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब से तुम गए हो यहाँ कोई नहीं आया। तो तुमने दुकानदारी सब उठा दी है? हाँ, दिवालिया जो हो गए। तो अब गुजर कैसे होगा? शहर में रहने से तो होगा नहीं, सोचती हूँ किसी सस्ती जगह में चली जाओ। तो पहले क्यों नहीं चली गई? सिर्फ तुम्हें देख पाने की आस में पड़ी रही, जाती थी एक दिन तुम जरूर आओगी। सिर्फ मुझे देख पाने की आस में? क्यों? तुम मुझसे बहुत नफरत करते थे ना, इतनी नफरत कभी और किसी ने मुझसे नहीं। उसे पहले न जाने कितने लोग यहाँ आए और चले गए, लेकिन मैंने किसी के अंदर वो तेज देखा जो तुमने था। तुमने आते ही जाने क्या कर दिया अपने साथ, जिसे मैं बिल्कुल ही बदल गई। इन आंखों से मुझे हर चीज और ही दिखाई देने लगी। फिर तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब से मुझे बहुत नफरत है। कोई शराब पीकर मतवाला होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब तुम मतवाले होते थे तो मैं रो देती थी। एक दिन तुमने कहा हम लोग कितना सहन सकते हैं, उसी दिन मुझे अपने आप पर अभिमान पैदा हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ तो दिया चंद्रमुखी, लेकिन औरतों का मन बड़ा चंचल होता है। देवदास, क्या पार्वती ने तुम्हारे मन को बहुत ठेस लगाई? ये क्यों पूछते हो? मैंने जिंदगी में प्रेम का कारोबार बहुत दिनों तक किया है देवदास, लेकिन प्रेम सिर्फ एक बार। प्रेम करना और बात है, रूप का मोह कुछ और। रूप का मोह जितना मर्दों में होता है, हम औरतों में नहीं। तुम लोग आकर प्रेम जतलाते, बात बात से इसका डंडोरा पीसते हो, जब भी हम चुप कहती और सर झुका कर इस नई जिंदगी को स्वीकार कर लेती, लेकिन उस समय भी हमें प्रेम के अक्षर का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद किसी आधे वक्त में हमारे दिल की कोई भड़ास चटपटाती हुई बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तब तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हो कलंकी नहीं, विश्वासघाती। डरो नहीं देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कह रही। शायद पार्वती बहुत ज्यादा रो सकी, लेकिन फिर भी मैं यही जान पाई हूँ, पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी होगी, पहले उसी ने तुम पर ये बात जाहिर की होगी। अपने पर से मैंने जाना पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। क्या था? मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ देवदास, मैं तो सिर्फ पार्वती की तरफ से वकालत कर रही हूँ। इससे बढ़कर उसकी बात और क्या हो सकती है? आदमी जिसे प्यार न करता हो वही जबरदस्ती प्यार की कहानी सुनाने बैठ जाए। जरा और बैठो, कभी तुम्हें होश में नहीं पाए, कभी इस तरह तुमसे बातें नहीं,
से पहले जब तक तुम शराब पीकर नशे में चूर नहीं हो जाते तब तक मेरा मुंह नहीं देखते। अब तो यूं ही मैं एक बरस तक शराब को छू भी नहीं सकता। मेरे पिता की मृत्यु हो गई ना। फिर पियोगे? कह नहीं सकता। हो सके तो सदा के लिए छोड़ दो। देखो ऐसे सुंदर प्राण नष्ट नहीं करो। जहां भी जाओ चंद्रमुखी मुझे खबर जरूर करना और अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो संकोच मत करना। अच्छा सुखी रहो। जब से तुम्हारी डोली गई है पारो गांव का नक्शा ही बदल गया। जिम्मेदार ने काशी पधार दी। देवदास अक्सर यहाँ आता है लेकिन सिर्फ अपने भाई से झगड़ा कर ली और रुपए मिले तो रुपए मिलते हैं इधर चल देता है। इसके पिता को मरे 2.5 साल हो गए लेकिन इतने ही अर्थ में उसने आधी दौलत उड़ा डाली। मैं तो कहती हूँ पारो भगवान ने अच्छा ही किया जो तुम्हारी शादी उससे ना हो गई। वो इन दिनों फिर गांव आया हुआ है। दिन भर बंदूक हाथ में लिए चिड़िया मारा करता है। जब बहुत धूप से सर बोल उठता है तो किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ कर कुछ सोचा करता है। लगता है जैसे कोई गृह है। Thank you.
बहन, क्या बात? एक पालकी और कहानों का बंदोबस्त करो, आज इसी वक्त मैं टांसन भूल जाऊंगी। अगर माँ पिताजी इलाके पे गए हुए हैं, कल रामनवमी का व्रत है और ब्राह्मणों को न्योता दिया। मत करो, मैं सब जानती हूँ, इस वक्त जो मैं कहती हूँ वही करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा माँ। और जल्दी चलो पालकी वाली। मैंने कितना मना किया पर मेरी एक न माना और आज सुबह की गाड़ी से कलकत्ते चला गया। चली गई। क्यों भैरव, डाकखाने से हुआ है? हाँ माँ जी, पर कोई चिट्ठी नहीं है। 3 महीने होने को आए, न कोई खत लिखा उन्होंने, न जवाब दिया। कल सुना था कि जमींदार का मकान यहाँ से किसी है। बस कोई कोस भर है माँ जी, जमींदार जी का तो सरदास हो गए, अब उनके 2 लड़के जेदास वादे और देवदास। मुझे वहां ले जा सकती है? क्यों नहीं, जिस दिन आपका जी चाहे। जिस दिन नहीं, अभी चलो, तुम तैयार हो? अच्छा। कहीं कड़ी धूप है, ये भी लगान लेके आई हूँ। बैठो, कहाँ रहती हो?
आप ही की राज आशा छुरी गाऊं। क्यों ना जी, मालिक तो दो हिस्सेदार है ना। हाँ बेटी, लेकिन दो दिन में सब हमारा ही हो जाएगा। छोटे बाबू ने तो लूटिया डुबो दी, कलकत्ते में शराब और वेश्या ही उन्हें ले मरे हैं, ना जाने कितना रुपया उड़ाया, कुछ हिसाब है? तो क्या छोटे बाबू कभी कर नहीं आती? उस दिन तो आए थे, बड़े भाई से झगड़ा करके 5,000 रुपए लिए और कल चले गए। तो फिर कब आएंगे? पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, न जाने क्या क्या बीमारियां लगा रखी हैं, और अब तो बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। वो कलकत्ते में कहाँ रहते हैं? जाने जूते कहाँ रहते हैं, कहीं किसी होटल में खा पी लेते हैं, जिस चीज के घर पड़े रहते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो जाने उनका ही अनजाने। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ। अरे ये लगाम देना है, जरा कचहरी में ले जाओ। नहीं मानी, मैं आप ही चली जाऊँ। पार्वती, कितने ही दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, इतने अच्छे अच्छे पहनावे हैं, फिर भी तुम ये मामूली से कपड़े क्यों पहने रहती हो पार्वती? ऐसे ही। और वो इतने गहने, आखिर वो किस लिए रखे हैं? गहने तो मैंने यशोदा को दे दिए। वो तो अच्छा ही किया, मगर मैंने तो तुम्हें दोबारा बनवा दिए थे। फिर भी तुम ये जोगन का भेस क्यों बना रखी हो पार्वती? जोगन का भेस कैसा? आप जैसे सीधे साधे रहते हैं, वैसे ही मैं भी रहती हूँ। मेरी बात छोड़ो, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम तो बूढ़ी नहीं हो, जरा गहने आहने पहना करो। मुझे गहने अच्छे नहीं लगते। दीदी, कौन? चमेली। आ, दरवाजा बंद कर दिया। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत, आज तो बिजली में गिरा रही हो, आखिर बात क्या है? एक दिन सब कुछ छोड़ जोगन बन चली गई, आज फिर ये हार सिंगार कैसा? मैं अपने बल को ढूंढने जा रही हूँ। बस कौन मर आएगा जब ही पता चलेगा। ओ समझी। लो वो शादी ही आ गए, मैं जाती हूँ। लो हम आ गए। कौन हो तुम? अरे अरे तुम तो दूसरी हो, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं है। वाह वाह बहुत अच्छा। क्या कहा आपने? मैं कहती नहीं कहा है। अब मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किस लिए बाहर निकाला गया? नहीं नहीं, एक बात है। क्या बात? क्या है? जवाब नहीं आपका। क्यों मोहना, कोई देवदास नाम का आदमी यहाँ आता है। देवदास? कौन देवदास? खुला रंग, घनी भवी, तेज भरी आंखें, बहुत बड़े आदमी है, जब आते हैं बहुत माल उठाते हैं। नहीं बहन, ऐसा हमारी किस्मत में कहा। Mother, no, 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 no.
बर्बाद दुनिया का जीना क्या मेरे नाम जिसे मैं जीते कल दुनिया के शराब पीएंगे? हाँ हाँ कहाँ मिलेगी? चलो मैं बंदोबस्त कर दूंगी। अरे तुम कहाँ से आ गए मेरे मित्र? वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो। हाँ सुंदर हूँ। चलो तुम मुझे पहचानती हो सुंदरी? हाँ। ये कहाँ ले आई हो भाई? अच्छा लाओ शराब लाओ। शराब नहीं है? फिर यहाँ क्यों लाई हो मुझे? यही धोखा दिया? जहाँ से भी हो लाओ। कि तुम मुझे नसीहत करने वाले कौन हो? लाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है। अरे मर जाऊंगा, जहन्नुम में चला जाऊंगा, तुमको इससे क्या है? तबीयत ठीक नहीं। जरा बैठे तो मैगी मंगा देती हूँ। नाश्ते तेरे दिल में हम ही हम हैं।
कल कहाँ से चुरा लाई तुम मुझे हैं? चुरा नहीं लाई, रास्ते में पड़ा पाया, सिर्फ उठा लाई हूँ। और ये सब तुमने फिर से क्या शुरू कर दिया है? गहनों से लदी हुई और नई नवेली दुल्हन की तरह। किसने दिए? फिर? मैं तो यही मजाक कर रहा था। न किसी ने दिए न बनवाए, सब नकली। एक महीने से तुम्हारे लिए यहाँ आके पड़ी हूँ। मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे, बेकार कितने रुपए खर्च करने पड़े तुम्हारे लिए। और एक तुम हो जो कल मुझे पहचान भी नहीं। पहचान नहीं सका, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर कभी कभी शक जरूर हुआ और बार बार यही सोचता रहा कि कौन इतनी सेवा कर सकता है सिवाय मेरी चंद्रमुखी। देवदास, क्या आप भी तुम उसे उतना ही नफरत करते हो? नहीं चंद्रमुखी, बल्कि प्यार करता हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई? आपकी दवा ने अच्छा कर दिया है डॉक्टर। मेरी दवा ने नहीं, इनकी दुआ ने, दिन रात की सेवा ने। मगर ये मत समझिए कि आप एकदम तंदुरुस्त हो गए। आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। शराब आपके लिए जहर है। हो सके तो कलकत्ते से बाहर कहीं आबो हवा बदलने चले जाइए। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ दिन के लिए कहीं जाना चाहिए। तुम मेरी कौन होती हो चंद्रमुखी, जो इतनी सेवा कर रही हो? क्या आप भी ये समझ नहीं सके? समझ तो लिया, लेकिन इससे भी क्या होता है? देखो ना, मैं पार्वती को कितना चाहता हूँ, तो वो भी मुझे कितना चाहती थी, लेकिन समाज ने नहीं चाहा। सिवाय दुख के और क्या मिला? कितना दुख पा के सोचा था कभी इन बंधनों में नहीं फंसूंगा, पर अपनी मर्जी से फंसा भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया चंद्रमुखी? क्यों इस तरह बांध लिया मुझे? शायद तुम भी पार्वती की तरह ही दुख झेलोगी। तुम दोनों में कितना फर्क है और फिर भी तुम कितनी एक सी हो। एक बड़ी खुददार और चंचल, दूसरी शांत और गंभीर। वो कुछ भी नहीं सह सकती और तुम सब कुछ सह गुजरती हो। उसकी कितनी इज्जत है और तुम कितनी बदनाम हो। उसे सभी प्यार करते हैं और तुमसे नफरत, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता चाहूंगा, कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यही बात है, कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, गाड़ी आ गई।
मफलर में जाने कहाँ रख दिया मैंने? कुर्सी पे। तुम रो रही है चंद्रमुखी? नहीं। जरा मुंह तो उठा। उठा हूँ। देखो। ये इतने कपड़े लत्ते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मेरे। जरूरत थी या नहीं? ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, प्रदेश में एक तांत्रिक की जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो। ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगे? मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पर मुझे मिल जाएगा। मुझे एक वरदान दोगे? क्या? अब कभी शराब नहीं पियोगे। वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा। सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना। अच्छा चंद्रमुखी। देखो ये रख लो अपने पास। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूं। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो। अब फिर कब मिलना होगा? कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूं चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी। कुछ तय किया? नहीं, अभी कुछ तय नहीं किया। तो फिर काशी चलो ना माँ के पास। नहीं धर्मदास, मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ।
मैंने जाना पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी तो ये निंदा मुझे न लगेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो। मैं अपने आप से कहीं भाग जाना चाहता हूँ। तुम्हारी बेसरता की बातें मेरी समझ नहीं आती। धर्मदा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम स्टेशन से अपने लिए कुछ ले लो। तुम खाना क्यों खाओगे? फिर बुखार आ गया क्या? नहीं, बुखार क्यों ना हो, अपने आप इतना जुल्म करोगे तो और क्या होगा। देवा मैं कह देता हूँ, अगर इसी तरह तुम दिन रात घूमते रहो तो मैं गाँव वापस लौट जाऊंगा। तो जाओ, जा सकती हूँ तो जाओ। हाँ, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए तुम मुझे सता रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी एक बात तो ही मानूंगा, कल सुबह किसी भी बड़े स्टेशन पर उतर के तुम्हें डॉक्टर को दिखलाऊंगा। ये रोज रोज का बुखार आना अच्छा नहीं। धर्मदा ये बत्ती जरा बुझा देना। अच्छा, रात ज्यादा हो गई, आराम से सो जाओ, मैं अपने डब्बे में जाता हूँ। अरे देवदास। अरे चुनी बाबू, तुम ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें? खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे? भाई कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये भी कुछ तय नहीं किया। मकसद? जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू। तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो। मैंने भी यहाँ छोड़ दिया है चुनी बाबू। किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा। अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे। तुम्हें क्या दुख है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार हो। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बचाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं। अरे हमको तो यही उतरना, ये बोतल नहीं छोड़ रहे थे। जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सर। ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी न खत्म होने वाली प्यास। देवदास रहा नहीं गया धर्मदास,
तुम्हारा बदन कितना जल रहा है, चलो इसी स्टेशन पर उतर चले, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं, मुझे रोको मत रंगा, मुझे चलने दो। अब मत पियो देवदास, डॉक्टर ने मना नहीं किया था, एक घूंट भी शराब पी तो मर जाओगे। नहीं देवरा तो ही मर जाऊंगा धर्मदा। बुखार कैसा है? बहुत। मैं क्या करूं देवा, तुम्हारा बुखार तो उतरता ही नहीं। मेरे जाने का वक्त आ गया है धर्मदा। कहां जाने का? इस दुनिया से। मत कहो ऐसी बातें, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहो देवा। अभी से क्यों रोते हो धर्मदा? रो ना तो और क्या करूं, तुम समझते हो मेरा दिल पत्थर का है। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ देवता, लौट चलो। कहाँ? किसके पास धर्मदा? कौन है मेरा इस दुनिया में? क्या कह रहे हो देवा, तुम्हारा सब कोई है? मेरा सब कोई है, मैं ही किसी का नहीं धर्मदा। ऐसे मत कहो, उसे नहीं सुना जाता। सामने मुगलसरा है, वहीं उतर के काशी चले जाएंगे माँ के पास। माँ? हाँ, माँ के पास। मैं एक शराबी, बदकार, बदचलन, माँ को एक काला हूं नहीं दिखाऊंगा धर्मदा। देवा, फिर गांव में लौट चल। गांव? हाँ, ठीक है। ये खोखला बदन भी तो वहीं की मिट्टी है ना धर्मदा। इसे नहीं ले चलो। धीरपुर मीरगंज मानिकपुर की सवारी आवत जाए। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है मैं तेरे यहां आऊंगा, बदले से कहीं एक बार जरूर आऊंगा।
गाड़ी वाले, ओ भाई गाड़ी वाले, मानिकपुर चलोगे? मानिकपुर? हाँ। तो यहाँ से बहुत दूर है बाबूजी, और रास्ता भी बड़ा खराब है। मैं तो इस अंधेरी रात में नहीं जाऊंगा। रात को यहीं सो जाइए, अब सुबह ले चलो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है भाई। जी देखो, मुझे वहाँ जाना ही है। मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा, मुझे वहाँ ले चलो। आइए 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 बाबूजी, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। और कितनी देर है भाई गाड़ी वाले? बाबूजी अभी अभी तो आप गाड़ी पे बैठे हैं, अभी तो बहुत दूर जाना। कितनी बड़ी हो गई। बाबूजी मानिकपुर तो पहुंच गए, ये रहा जमींदार साहब का मकान, आपको कहाँ जाना है? अरे सो गए बाबूजी क्या? बाबूजी बाबूजी आप सो गए क्या? बाबूजी हम मानिकपुर आ गए, आपको किसके घर जाना है बाबूजी? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बाबूजी? यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई पार्वती? इतनी मुझे पुकारा है? क्या कह रही हो, इतनी रात में कौन तुम्हें पुकारने आएगा? मैं तो लाता ही नहीं, ये रात तो बहुत खासी बासी हुई।
श्यामुखी माँ, बाहर फाटक के पास इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं? सुना है कोई कुमार परदेशी रात भर से फाटक के पास पड़ा है, बस अब दो चार साल से और ले गए। दुर्गायै दुर्गपालायै धारायै सर्वकारिणै धात्रै तथैव कृष्णायै भूम्नायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देवै कृत्यै नमो नमः। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, चाहिए ऊपर जाकर आराम कीजिए। ना जाने पूरे जन्म की मुक्ति खरीदी थी, सिर्फ यहाँ मरने के लिए बिचारा चला है। कुछ पता चला कहाँ का रहने वाला था? सुना है वो ताल सोनापुर गाँव का रहने वाला था। कौन तब से पूछ कर रहने वाला था? मालकन अभी अभी बाहर एक आदमी मर गया, उसी की बात कर रहा। क्या नाम? मुझे मालूम नहीं, वो महेंद्र बाबू वहीं से आ रहे हैं, शायद उन्हें पता। ठीक ठीक तो पता नहीं चला माँ, लेकिन शक होता है आपके गांव का कोई देवदास मुखर्जी मरा है। आपके गांव का देवदास? जेब में तो चिट्ठियां थी, एक दिव्यदास मुखर्जी, हाँ, उनके बड़े भाई, दूसरी काशी से हरी मली थी, हाँ, उनकी माँ, हाथ में नीलम की अंगूठी थी, हाँ हाँ दादाजी ने दी थी, मैं जाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? अब तो दो मुझे ले रहे Oh,